वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को समझेंगे। आज का टॉपिक ही हमारा सेंट्रल बैंक पे रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सर ये सेंट्रल बैंक क्या है? तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 1911 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 1911 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। मेन इसकी नीड क्या थी? इसकी जो नीड थी वो करेंसी को इशू करने की, क्योंकि करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग बैंकों को नहीं दी जा सकती थी या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दी जा सकती थी। रीजन क्या था? क्योंकि करेंसी एक जैसी होनी चाहिए, उसमें यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए। अब आप बताएं कि अगर आपके पास में 100 के अलग अलग तरीके के नोट हैं तो फिर आप इसमें से नकली नोटों को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? अगर 10 तरीके के 100 के नोट हैं तो इस तरीके से तो कोई भी एक नकली 10 जो है 100 का नोट वो आपके बीच में ले आएगा। और फेक करेंसी जो होती है, जो नकली करेंसी होती है, वो एक इकोनॉमी के हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल रहती है। कैसे? अब देखिए, अगर आप अपने हेल्थ के लिए आप मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी उससे हेल्थ ठीक होगी अगर आप बीमार हैं तो। लेकिन आप जो है आप नकली दवाइयों का आप जो है उसको यूज कर रहे हो हेल्थ के लिए, तो उससे क्या आपकी हेल्थ बनेगी? हाँ जी, हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रही है बच्चों? कंफर्म करो एक बार मुझे, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? कंफर्म करें। चलिए मैं, ठीक है, आ रही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या था, मैं ये बीच में आप, ऑल इज डन, ठीक है जी, आ रही है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर टॉपिक को। मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ मैं टॉपिक को। हेलो, हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन है ये है, आज का टॉपिक हमारा है सेंट्रल बैंक, और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सेंट्रल बैंक क्या है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। तो सेंट्रल बैंक सबसे पहले 1911 में ये जो है स्टैब्लिश हुआ था, केंद्रीय बैंक। और इसका मेन मोटिव क्या था? करेंसी इशू करना। हमारी जरूरत ये थी कि देश के लिए करेंसी इशू हो। उस समय हालांकि हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस समय तब भी करेंसी तो इशू था ही ना, पैसे तो चलते ही थे ना भाई। 1947 से पहले लोग लेन देन पैसों में करते थे ना, तो पैसा छपेगा कहाँ, सवाल ये था ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही क्या करा, उनके ही काल में सेंट्रल बैंक जो है वो स्टैब्लिश हुआ, जिसका काम था करेंसी इशू करना। अब ये करेंसी इशू करने की अथॉरिटी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 10 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को अगर करेंसी इशू करने की अथॉरिटी दे दी तो वहां पर 10 अलग अलग तरीके की करेंसी इशू हो जाएंगे, और 10 अलग अलग तरीके करेंसी इशू होंगे तो उसमें जो है फेक करेंसी भी जो है इजिली जो है रोटेट हो सकती है, वो इकोनॉमी के अंदर आ सकती है किसी भी नोट की पहचान। क्योंकि देखिए, हर लोग पढ़ा लिखा नहीं है, हर इंसान बिल्कुल बारीकी में जाके नोट को नहीं देखता है। जो गरीब है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी अपनी दिनचर्या को पैसों के माध्यम से ही चलाते हैं, तो वो नोटों की पहचान तब कर पाएंगे ना जबकि पैसा हमेशा से एक जैसा रहे, एक कलर में। 100 का नोट ऐसा है तो वो ऐसा ही रहे, उसका साइज छोटा बड़ा कलर अलग नहीं हो। 10 तरीके के अगर 100 के नोट होंगे तो उसके बीच में कोई भी एक नकली 100 का नोट चला जाएगा। तो जरूरी ये था कि जो करेंसी है उसमें यूनिफॉर्मिलिटी हो, मतलब वो एक जैसी हो दिखने में। 100 का नोट अपना एक जैसा हो, 500 का नोट अपना दिखने में एक जैसा हो, 10 रुपए का नोट दिखने में एक जैसा हो। तो ये इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसलिए यूनिफॉर्मिलिटी लाने के लिए ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एक ही को अथॉरिटी देनी थी, जिससे कि इसमें एक समानता, एक रूपता लाया जा सके। अब आपके मन में सवाल है कि सर एक सवाल बचपन से हमारे दिमाग में है कि फेक करेंसी, नकली नोट का इकोनॉमी में आने से इकोनॉमी को क्या नुकसान है? अगर कोई नकली नोट बना रहा है तो ये अच्छा ही तो है,
जो काम हमें करना है वो काम कोई और कर दे हमारे बदले में, तो ये तो अच्छा ही तो हो गया ये। फिर इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ आ गई है? जो पैसा छापने काम हमारी सरकार का है, यही पाकिस्तानियों छाप दे हमारा काम कर दे, हमारा काम तो और इजी हो गया, तो इसमें दिक्कत कहाँ है बच्चे? बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए आप मेडिसिन कंज्यूम करना है। अगर आप नकली मेडिसिन कंज्यूम करेंगे तो क्या आप हेल्दी हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे? नहीं, आप और बीमार हो जाओगे। आप बोलोगे सर तो फिर इसमें कैसे, हेल्थ का तो समझ में आ गया, बट हम फेक करेंसी से कैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो बीमार हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी को कैसे उससे डैमेज होगा? तो देखिएगा मैं बताता हूँ आपको, फेक करेंसी आ जाएगी तो फेक करेंसी वो करेंसी है जिसके बदले में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ, मानते हो चीज को? तो जब वो तो वही बात होगी ना कि करेंसी के इकोनॉमी के अंदर आ जाने से जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं और करेंसी हमारी इकोनॉमी में आ गई तो हम तो डिमांड करेंगे, जब डिमांड करेंगे सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगा, और इस महंगाई को तो गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी क्योंकि गवर्नमेंट मनी विड्रॉ करेगी ही नहीं फेक करेंसी, उसे उसे थोड़ी विड्रॉ कर लेगी इकोनॉमी, और क्योंकि गवर्नमेंट इंजेक्ट कर ही नहीं रही है ये मनी, तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरवाइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं? और इन्फ्लेशन आने से और भी बहुत सारी समस्या आएंगी। अब महंगाई अगर हमारे देश की चीजें महंगी मिल जाए, ठीक है, एक जो चीनी 80 रुपए किलो है उदाहरण के लिए, वो चीनी 160 रुपए किलो हो जाए, तो आप बताइए जो $1 में चीनी आ पा रहा है, अब उसे चीनी को लेने के लिए अंग्रेजों को $2 खर्चने पड़ेंगे, तो क्या वो हमारे यहाँ से शुगर लेंगे? वहीं $1 खर्च करके उनको पाकिस्तान और चाइना से मिल जाएगा, तो क्यों इंडिया से लेंगे $2 खर्च करके शुगर? चीनी तो चीनी है, तो वो हमारे यहाँ से इम्पोर्ट कम हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो हमारे हर तरीके से हमारी इकोनॉमी को इससे नुकसान पहुंचेगा। इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कोई भी एक्स्ट्रा करेंसी गवर्नमेंट के एब्सेंस के अंदर इकोनॉमी के अंदर फ्लो करे। क्लियर है? ये इकोनॉमी के लिए जो है हार्मफुल है। खैर बात करते हैं ऐसी करेंसी का इकोनॉमी में आना जो कि यूनिफॉर्मिलिटी हो, एक समान रूपता हो। तो ऐसी जरूरत थी हमारी, इस जरूरत को फुलफिल करने के लिए एक एक जो है गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल बैंक। ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, दुनिया के हर कंट्री में ऐसा होता है, दुनिया की हर कंट्री की करेंसी अपनी अलग है, उसको इशू करनी अथॉरिटी 19 कंट्री के पास में, और वो एक अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है सेंट्रल बैंक, जिसका काम है पैसे की छपाई होना। बाहर से पैसा छपता है, मध्य प्रदेश से पन्ना नाम की कोई जगह है, वहां पर पैसा ये जो है छपती करेंसी वहां पे इशू होता है, तो वहां उसका काम है पैसे छापने का। लेकिन सिर्फ इसका काम करेंसी इशू करने तक ही नहीं है, इसके और भी काम है। फिर अब आपको पता कि इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले लोगों की लाइफ को लग्जूरियस लाइफ तक लेके जाने में, मतलब कंफर्ट लाइफ पे पहुंचाने में, कि लोगों का जीवन जीना आसान हो जाए, उसके लिए लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की नीड को फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना जरूरी है, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को ये करेगा कौन? ये फर्म करेगी। तो फर्मों को पैसा कहाँ से आएगा? एक फर्म पे इतना पैसा हो सकता है कि वो एक दुकान लगा सकता है, बट इतना पैसा नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा प्लांट लगा दे और वहां मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दे, उसके लिए तो उसको लोन लेना पड़ेगा। तो एक फर्मों को लोन कहाँ से मिलेगा? तो लोन के लिए एक बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, और इस बैंकों के पास में पैसा कहाँ से आएगा? तो पब्लिक के पास में ही पैसा डिपॉजिट होगा, और ये बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है इससे पहले वाली वीडियो में जाकर के आप देख लीजिएगा। क्लियर है? तो आपको पता है कि एक बैंकिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये बैंकिंग सिस्टम भी तभी काम करता है जब लोगों का इसके ऊपर विश्वास हो। अभी मैं पूरा पूरी कहानी बता रहा हूं, सुनते रहिए, फिर मैं अपने पॉइंट्स पर आ जाऊंगा, डेफिनेशन पर आ जाऊंगा, ठीक है? तो बैंकिंग सिस्टम, अगर कोई आपके आस पड़ोस में, या आप सुनने को मिल रहा है आपके दोस्त यारों में, आपके आस पड़ोसी का कोई बैंक भाग गया, बेचारे के पूरे पूरे पैसे बर्बाद हो गए, वो उनका रो रो के बुरा हाल है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक का विश्वास उठेगा, आप भी अपने बैंक जाकर के पैसे निकाल करके आ जाओगे, अपने घर पे रख लोगे। तो बैंकिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, इससे इंडस्ट्री को लोन जाता है, और इंडस्ट्री इस लोन के पैसे से इंडस्ट्री लगाती है, और इस इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इससे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और इससे लोगों के पास पैसा आता है, और लोग उस पैसे से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसको खरीदते हैं, तो लोगों की जरूरतें पूरी होती है, लोगों का लाइफ जो है जीवन पहले से आसान होता है, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बैंकिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम लोगों के भरोसे पर काम करता है।
तो ये जरूरी था सरकार के लिए कि बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी के लिए अगर इतने इसकी इंपॉर्टेंस है तो इसका हमेशा बना रहना भी बहुत जरूरी है, और इसका हमेशा बने रहने के लिए लोगों का विश्वास इसके ऊपर होना बहुत जरूरी है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम में अगर कोई बैंक आ रहा है, वो लोगों के पैसे अपने पास में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो उस चीज को मैनेज नहीं कर पाया, उस लेन देन को, उससे उसका बैंक ने इसको उधार दिया, उसका उधार कोई लेकर के भाग गया, बैंक पब्लिक को कह रही है आपका पैसा भैया वो लेके भाग गया, मैंने उसको दिया था, मैं कहां से दूं, मेरे पास नहीं है, तो पब्लिक बोलेगी मुझे क्या इससे मतलब कि मेरे पास कौन लेके भाग गया, मैं तो आपको दिया था, मुझे तो आपसे चाहिए। तो बैंक बोलेगी भैया हम इंस्टॉलमेंट हो गए, दिवालिया हो गए, भैया हम कोई बैंक वैंक नहीं है, भाई बंद करा और भाग गए, जितने पब्लिक के पैसे बर्बाद हो गए। तो ये हालात पैदा ना हो जाए तो इसके ऊपर एक मॉनिटर भी होना चाहिए। क्लासरूम में होता है एक मॉनिटर, अब भैया आपके टीचर तो एनी टाइम तो रहेंगे नहीं क्लास में, मतलब प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति थोड़ी एसबीआई बैंक में जाके बैठे रहेंगे, या पीएनबी में राष्ट्रपति बैठा हुआ है, उपराष्ट्रपति एसबीआई में बैठा हुआ है, और प्रधानमंत्री जो जो है वो आईएएस बैंक में बैठे हुए हैं, नहीं हो सकता ना भैया। एक क्लास मॉनिटर की भी नीड होती है ना क्लास को चलाने के लिए। टीचर क्या बोलते हैं कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, कोई बच्चा बाहर गया बच्चों को नहीं मैं आपको पीटूंगा, बोलते हैं ना। तो ऐसी सरकार ने ना एक 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 ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एक अथॉरिटी दे दी एक के पास में, वही अथॉरिटी उसको उसी को दी, किसको, जो पैसा जो करेंसी इशू करता है, इसका नाम क्या था, सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, और हर कंट्री अपने हिसाब से उस सेंट्रल बैंक का नाम रखती है। भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है जी। तो दोनों एक ही चीज है भारत में, आरबीआई और सेंट्रल बैंक क्या है, एक ही चीज है। तो यहां पर सरकार ने मॉनिटर बना दिया भैया आप सेंट्रल बैंक को, और बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक है जिसमें आप पब्लिक का अकाउंट ओपन होता है, जो पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उनके पैसे को लोन देती है, इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस लेके प्रॉफिट अर्न करती है, इन कमर्शियल बैंक में इनको मॉनिटर करें, कोई पब्लिक का पैसा लेके भाग ना जाए, और मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को क्लास में बिठा करके पढ़ाना, मतलब रजिस्टर उस्टर खोल लो और बैठ के पढ़ो, होता है ना। तो इस तरह की जिम्मेदारी दे दी गई है कि भैया इन बैंकों की सारी कमर्शियल बैंक की सारी जिम्मेदारी किसके पास में, सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक तो एक पिता के समान हो गया, जैसे हमारे पिता होते हैं, वो कैसे, वो अगर हमारी सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, केयर करते हैं, परवाह करते हैं, हमारी केयर करेंगे, कोई भी अगर ऐसी चीज हम कर रहे हैं जिससे हमें नुकसान होगा तो हमारे केयर करने की वजह से हमारे पिता उस चीज को करने से रोकेंगे। अगर जैसे आप नशा करते हैं, ठीक है, तो आपके पिता आपके आपके बहुत केयर करते हैं, आपकी हेल्थ की केयर करते हैं, तो आपको नशा करने से आपके पिताजी रोकेंगे। तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक भी है पिता के समान, वो इन कमर्शियल बैंक की बहुत केयर करता है कि इनकी पॉलिसी को चेक करता है, इनकी पॉलिसी में कहीं फॉल्ट तो नहीं, इसकी वजह से इन बैंकों को नुकसान होगा, इनकी पॉलिसी ऐसी तो नहीं है जो कि इन बैंकों का पैसा लेके कहीं कोई कोई जो है इंडस्ट्री भाग जाए, इस बैंक को नुकसान हो जाएगा। तो एज अ केयरिंग वो उसके जो पॉलिसीज होती है उन पॉलिसी को वही वो लागू कर सकती है जो सेंट्रल बैंक के डायरेक्शन में होता है। सेंट्रल बैंक डायरेक्शंस देती है इनको कि ऐसे ऐसे आप किसी को लोन दो तो ये क्राइटेरिया है लोन देने का। तो सेंट्रल बैंक जैसे पिता एक केयर करते हैं, ये भी एक केयर करने के नजरिए से इन कमर्शियल बैंक एक केयर करता है। लेकिन अगर कोई बच्चा तब भी छुप छुप के काम कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो, मतलब कि अपने नुकसान कर रहा हो, नशा कर रहा हो, तो पिता पिताजी को पता लगे, पिताजी क्या करेंगे, पिटाई करेंगे, है ना। तो ऐसे कोई कमर्शियल बैंक अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में सेंट्रल बैंक के रूल्स और रेगुलेशंस को ब्रेक कर रहा है, वो सेंट्रल बैंक को पता लगा तो सेंट्रल बैंक उस पर लीगल एक्शन लेगा, उसके सीईओ पर, उसके डायरेक्टर पर, उसके एम्प्लॉय पर, उनको जेल तक होगी। क्लियर है। अब जैसे कि आपको कोई जो है किसी प्रकार का आपका हेल्थ इश्यू आ गया, आप बीमार हो गए, तो फिर उसकी जो है उसके लिए मुसीबत में आपके कौन खड़े होंगे, पिताजी खड़े होंगे ना, आपकी दवाई ववाई करवाएंगे, आप पे पैसा लगाएंगे, रहेंगे रहेंगे। इसी तरीके से किसी कमर्शियल बैंक को सब कुछ ठीक ठाक चलने के बाद भी कोई ऐसा फ्रॉड ही निकल गया, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए विजय माल्या जैसा, विजय माल्या जो पैसे लेके भाग नहीं गया बैंकों का, ठीक है, तो जैसे कि ये पैसे लेकर के भाग गए, अगर कोई ऐसा पैसा लेके भाग गया बैंक को नुकसान पहुंचा तो कोई बात नहीं, हो जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, इसमें बच्चे की गलती क्या है, वो तो हमारी बातों को मान ही रहते, नशा कर नहीं रहते। तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक सोचता है कि कोई बात नहीं, उसके फिर सेंट्रल बैंक उसको सपोर्ट करता है, उसकी हेल्प करता है क्राइसिस में। जैसे यस बैंक की क्राइसिस आई थी 3-4 साल पहले, ठीक है, आईसीआईसी बैंक की क्राइसिस आई थी,
तो ऐसे दो तीन बैंकों की समस्या आई थी तो सेंट्रल बैंक यहाँ सपोर्ट करता है। तो मान लीजिए सेंट्रल बैंक को जो एक करेंसी इशू करने के साथ साथ में वो इन कमर्शियल बैंक के पिता समान है, क्लियर है। अब दूसरा सवाल यह है कि अब सरकार को भी बहुत सारे लेन देन करने होते हैं, टैक्स का कलेक्शन होता है सरकार के पास में। आपको लोग सोचते हैं यार सरकार कहां से इतना पैसा लाती है, बेचारे सरकार में पैसा कहां से आया, सरकार तो इतनी मासूम है कि सरकार में पैसा कहां से आएगा, इतना खर्चा है पैसा सरकार पे कहां से आएगा, ये सवाल आपको मैं बताता हूं बच्चे। आप इनकम टैक्स छोड़ दो, आप सोचते हो यार इनकम टैक्स तो हमारे पिता देते नहीं है, ना हम देते हैं ना कोई देता है, फिर भी सरकार को चलाना पड़ता है देश, बड़ी 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 समस्या है। अरे बच्चे मैं मान लेता हूं यार इनकम टैक्स जीरो यार नहीं आता सरकार पे, चलो पूरे देश से ऐसा तो है नहीं, फिर भी मैंने बोल दिया भैया इनकम जो टैक्स सरकार की जो है, जो इनकम टैक्स है गवर्नमेंट का, वो जीरो है नहीं आता, चलो मैंने मान लिया। लेकिन आप हर चीज के ऊपर आप देखते हो, कोई पैकेट बिस्किट का भी खरीदते हो तो उस पर टैक्स देते हो, पेट्रोल लेते हो तो टैक्स देते हो, तम्बाकू कंज्यूम करते हो टैक्स देते हो, कोई भी चीज आप लेते हो तो उस पर टैक्स भरते हो या नहीं भरते हो, भरते हो टैक्स। लगभग लगभग मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए GST 20% है, एग्जाम्पल के लिए, क्लियर है। और आपके घर में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, मैं मान के चलता हूं भैया आपके परिवार को चलाने के लिए, आपके अपने एक परिवार को चलाने के लिए सिर्फ 20,000 रुपए का खर्चा तो आ ही जाता होगा आज के डेट में, चलाने में 20,000 का मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, इतना खर्चा कर ही देते, लोग ज्यादा भी करते हैं, बट 20,000 का 20% मतलब हर चीज पे आपने 20% टैक्स दिया ही है। तो 20,000 की चीज अगर आपने खर्चा किया है तो 20,000 में से तो चीज तो 16,000 की हुई हुई ना आपके पास, 4,000 तो आपने क्या भर दिया, GST भर दिया। और आप बताइए एक 25 गज का मकान है अगर आपके पास में, एक छोटा सा घर है उसमें ऊपर 5 मंजिल 6 मंजिल बने हुए हैं, मतलब कि 6 फ्लोर है नीचे से लेकर के 5 फ्लोर है, क्लियर है, उसमें 5 आपके पास में फ्लोर है तो कितने परिवार हुए, 5 फैमिली हुई एक हाउस में। ये कॉलोनी की बात कर रहा हूं बच्चे, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा अपार्टमेंट की, वहां तो भैया सैकड़ों हजारों फैमिली रहती हैं जो सोसाइटीज होती हैं। तो 5 फैमिली है और हर फैमिली ने कितने 4,000 रुपए टैक्स दिया एक महीने में, तो 20,000 रुपए महीना हर घर से जा रहा है, हर घर से। और ऐसे कितने मकान होंगे छोटी सी कॉलोनी में, ठीक है, और कितने रुपए टैक्स हो गया, और जो अपार्टमेंट है इस कॉलोनी छोड़ो पूरे भारत में कितने परिवार होंगे, एक परिवार से 4,000 रुपए, कितने परिवार होंगे पूरे भारत में सोचो, पूरे दिल्ली में कितने परिवार हैं, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, और हर महीने हर परिवार 4,000 दे रहा है, तो कितने करोड़ों खरबों रुपए हर महीने का कलेक्शन है सर। एक महीने की बात कर रहा हूं बेटा, महीने की बात कर रहा हूं मैं कुछ साल की कमाई नहीं बता रहा सरकार की, महीने की बता रहा हूं, इतनी कमाई होती है सरकार की, बात समझे नहीं समझे, यही कमाई होती है। इसीलिए तो ऐसा होता है कि एक एमएलए, अगर एमएलए मुझे खैर इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है बट फिर भी शायद मैंने सुना है, ये गलती भी हो सकता है, चेक कर लीजिएगा, अगर एक एमएलए या कोई एमपी एक बार बन जाता है उसके बाद वो फिर अगले इलेक्शन में हार गया, 2 दिन के बाद वो अगर वो हट भी जाता है तो भी उसको जीवन भर पेंशन मिलती है। भाई पता नहीं सच्चे झूठे मुझे नहीं मालूम, पॉलिटिक्स में इतना गया नहीं हूं, लेकिन भैया अगर उसको मिलती है अगर पेंशन हमेशा, तो भाई साहब इतना ज्यादा हम पैसा देंगे तो क्यों नहीं लेंगे, वो लेंगे। तो ये कमाई होती है भाई साहब ये पॉलिटिशियंस के, बड़े बड़े घर में, बड़े बड़े बंगले में। अभी देखा है आपने एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन भाई साहब 8-8 लाख रुपए पर्दे लगाए हैं घर में सरकारी खर्चे पे, एक पर्दा 8 लाख रुपए का, सुना है ना। तो हम टैक्स देते हैं भाई साहब कोई बात नहीं, और हमसे हमारे सामने ऐसे आते हैं राजाओं की तरह एमएलए है ना, पूरे ठाट वाट, कोई रथ पे आ रहा है, कोई किस पे आ रहा है, कोई ऐसे बात करेगा ऐसे करके, कोई ऐसे बात करे, अरे भाई है कौन, हम पैसा दे रहे हैं, तनखा हम दे रहे हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं, और यहाँ की जनता भी कैसी है, प्रभु जी, बाबूजी, पिताजी पैरों में लेट जाएंगे, अरे यार क्या कर क्या रहे हो यार, ऐसे काम करवाओगे, पैसे दे के ऐसे काम करवाया जाता है क्या। तो खैर मैं बात कर रहा था एक सेंट्रल बैंक के पास में, अब इतना सारा पैसा सरकार कहाँ रखती होगी सोचो, तो गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स हैं वो सेंट्रल बैंक में जाते हैं, और गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है ना, जैसे कि हॉस्पिटल पे, भैया इतना बड़ा कलेक्शन है, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया
मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, बट मैं सिंपल सा एक, अगर मेरे में थोड़ी सी बुद्धि है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 140 करोड़ प्लस वाली आबादी वाले देश में एक एम्स है। बाकी स्टेट में भी एम्स अभी हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, जैसे कि बिहार में भी हुआ है, लेकिन वो एम्स भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आने पर वो दिल्ली के एम्स को रिकमेंडेड कर देता है, मतलब दिल्ली जैसा एम्स नहीं है। इतना पैसा आने के बाद भी, इतने पैसे आने के बाद भी गवर्नमेंट अगर मेडिकल सिस्टम के प्रायोरिटी लेवल पे काम करे तो मेरा मानना है कि हर राज्य में 10-10 एम्स खुल जाएंगे, सही तरीके से अगर इस पैसे को एक्सपेंस करे तो। और एक बार इश्यूज आने तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बट सही तरीके से काम हो तब चीजें पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंस जो करती है अपने, जैसे कि रोड बनाए गवर्नमेंट का, अब रोड बनाया उस पर पैसे कहां से जाएंगे, कहां से एक्सपेंस होगा? वो कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अपने जेब में पैसा नहीं रखते ना, या अपने घर में पैसे नहीं रखते ना कि रोड बना अभी रुक जा मैं आता हूँ, घर से पैसा निकाल के गड्डी निकाल के दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है भाई। वो एक पूरा चेक के सिस्टम से पैसे जाते हैं ना, वो पैसा कहाँ से निकलता है, वो गवर्नमेंट का पैसा जमा कहाँ होगा? सारा पैसा किसी पॉलिटिशियन के जेब में नहीं होगा जमा, किसी पॉलिटिशियन के अपने इंडिविजुअल खाते में जमा नहीं होगा भैया, ये सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट होगा। और सेंट्रल बैंक से पैसा कहाँ जाएगा? जो एक्सपेंस करेगा वो सेंट्रल बैंक के थ्रू एक्सपेंस होगा। तो ये गवर्नमेंट का भी बैंक की तरह काम करता है, जैसे कि हमारा, मेरा बैंक तो भैया SBI में अकाउंट खुला है, तो मेरा बैंक SBI है, मैं जमा वहां से करता हूँ, फोन पे पेटीएम वहीं से करता रहता हूँ। तो गवर्नमेंट का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। बात समझे? समझे? तो आइए, अब सेंट्रल बैंक के बारे में इतनी बातें हुई हैं, बड़ी बड़ी बातें कर चुका हूं मैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जो कि क्या करती है? जो कंट्रोल करती है, जो ऑपरेट करती है, ठीक है ना, क्लियर है, जो रेगुलेट करती है, चलाती है उसको, और जो डायरेक्ट करती है द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनिटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मॉनिटरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मनी फ्लो को कब बढ़ाना है और मनी फ्लो को कब कम करना है, मतलब इकोनॉमी में कब पैसे की मात्रा ज्यादा कर देनी है, कब पैसे की मात्रा कम करनी है। क्योंकि जब महंगाई होती है तो लोगों का पैसा ज्यादा, तो पैसे की मात्रा कम करनी पड़ती है। जब मंदी होती है तो लोगों का पैसा कम है, इसका मतलब है तो पैसे को जो है बढ़ाना पड़ता है। तो इस स्थिति में मनी सप्लाई को कम ज्यादा करने को हम क्या बोलते हैं? हम मॉनिटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो यहां पर सबसे पहला फंक्शन क्या है? करेंसी अथॉरिटी ऑफ बैंक इशू। करेंसी अथॉरिटी क्या है? पहली बात, पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। तो सेंट्रल बैंक का पहला काम क्या है भैया? करेंसी को इशू करना, ठीक है। कैसे इशू करती है? इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। ये क्या करती है? ये करेंसी इशू करती है और सभी नोटों में एक समानता लेकर के आती है। अब 500 के जितने नोट देखोगे सारे एक जैसे, 2000 के जितने भी नोट होंगे सारे साइज में, किसी चीज में, कलर में, किसी चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सेंट्रल बैंक करेगी उसमें यूनिफॉर्मिटी लाती है। इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई बिकॉज द करेंसी विच पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। भैया जब इस पे पैसा छापने की पावर है, जब ये पैसा छाप सकता है, तो इसके पास में एक ताकत आ जाती है, इससे मनी सप्लाई को जब मर्जी बढ़ा देगा, मनी सप्लाई को जब मर्जी ज्यादा छाप देगा मनी सप्लाई बढ़ गई, कम छाप देगा मनी सप्लाई कम हो गई। इसमें पावर मिल जाती है मनी सप्लाई को, इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई ज्यादा करना है या सप्लाई कम करना है। इट्स एनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव द सुपरविजन एंड द कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। क्लियर है? तो ये क्या करती है? ये उस पर कंट्रोल करते जो पैसे छापती है। इट इंश्योर द पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। ये इंश्योर करती है कि भैया करेंसी पे पब्लिक का फेथ हो। जनरली मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे कागज का टुकड़ा दे दिया, तो भाई ये क्या भैया? मैंने तो आपको शिक्षा दी है, इस कागज के टुकड़े को तो मैं खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, ओढ़ नहीं सकता, मैं नहीं ले रहा, मुझे मेरी जरूरत का सामान दो। लेकिन वो करेंसी मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि उस पर गवर्नमेंट के साइन है, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर रखा है मैं आपको इतने रुपए पे करने का प्रॉमिस करता हूँ, और उसके उसके ऊपर उसको जो है एक लीगल टेंडर बनाया है गवर्नमेंट ने। अगर वो मैं किसी को दूंगा और मेरी जरूरत का सामान वो उसके पास में है, वो बेचने के लिए रेडी है, और मैं उसको बदले में करेंसी दे रहा हूँ, करेंसी लेने से मना करेगा, तो मैं इसको जो है कोर्ट के थ्रू, कानून के थ्रू मैं उसको इन्फोर्स जो है इस चीज के लिए कर सकता हूँ। कोई मना नहीं कर सकता पैसा लेने से, वो गैर कानूनी काम हो गया। तो अगर आप मुझे पैसा दोगे तो मैं मना नहीं कर सकता लेने से, है ना। और ये पैसा अगर मैं किसी को दूंगा तो वो मना नहीं कर सकता मुझसे। तो इस विश्वास से मैं आपसे लूंगा और इस विश्वास से वो मुझसे लेगा,
तो इस तरीके से क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर पैसे में एक फेथ लोगों का आता है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंश्योर द पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम, इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ करेंसी। इसके बारे में अभी समझेंगे कि बेसिकली करेंसी का वॉल्यूम मतलब कि इकोनॉमी में कितनी करेंसी है, तो ये उसको डिसाइड करता है कि करेंसी इकोनॉमी के अंदर कितनी करेंसी आपको डालनी है। हाँ जी, एक अगला पॉइंट क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ये सिर्फ करेंसी इश्यू नहीं करती है, सरकार का बैंक है। मैंने बताया था ना आपको, अब मान लीजिए अमेरिका से इतने करोड़ रुपए मिले भारत को, अब ये आएगा कैसे पैसे बताओ? कोई पॉलिटिशियन जाएगा ब्रीफ केस लेकर के पैसा लेना, टेची लेकर के लेने के लिए? नहीं, वो पैसा वहां के सेंट्रल बैंक के थ्रू हमारे सेंट्रल बैंक में आएगा। क्लियर है? वो हमारी सरकार पे ऐसे आएगा, हमारी सरकार किसी की हेल्प कर रही है तो वो हमारे सेंट्रल बैंक से उस कंट्री के सेंट्रल बैंक में पैसा जाएगा। समझ गए? तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर जितने भी ट्रांजेक्शन होती है वो ये करती है। जैसे आपका अकाउंट मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अंदर है, तो अगर आपको किसी को चेक देना होता है, कुछ भी करना होता है, तो आपका बैंक कौन है? SBI है ना। आपके पैसे अगर कहीं से ऑनलाइन आते हैं, तो मान लो अगर आपका SBI है, फोन पे वगैरह आपने SBI से कनेक्ट कर रखा है, पैसे आते हैं तो कहाँ आते हैं आपके? ऑनलाइन SBI में आएंगे। पैसे जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? SBI जाएंगे। तो आपका बैंक SBI हुआ ना। ऐसे ही अगर सरकार के पैसे सेंट्रल बैंक में आते हैं, सरकार के पैसे सेंट्रल बैंक से जाते हैं, तो क्या सरकार का बैंक फिर सेंट्रल बैंक नहीं हुआ? तो ये क्या हुआ, ये बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये सरकारी सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही क्या करती है, ट्रांजेक्शन करती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज द बैंकर्स एजेंट एंड अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अब फाइनेंशियल एडवाइजर क्या है भैया? जो सरकार के पास में पैसा आता है ना, आपको पता कितना भारी रकम पैसा आता है, पता लगा? बताया ना अभी मैंने, ये पैसा सारा अगर खर्च नहीं होता, जो पैसा सरकार के पास में बच जाता है, तो उसको कैसे, अब वो पैसा रखे नहीं रखती सरकार। सरकार जैसे कि हमारे घर में दो पैसे ज्यादा आ गए, हम भी दिमाग लगाते हैं यार कहाँ लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, ब्याज पे चढ़ाएं, कोई प्रॉपर्टी ले लें, किराए पे चढ़ाएं, मतलब पैसा कमाया जाए। ऐसी सरकार के पास में जब पैसा ज्यादा होता है, तो सरकार भी सोचती है कि इस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे कि पैसे से पैसा बनाया जा सके। तो ये एडवाइस कौन देती है इसको? सेंट्रल बैंक इसको एडवाइस देती है कि पैसे को आप ऐसे इन्वेस्ट कर लो, ये स्टॉक एक्सचेंज में, म्यूचुअल फंड में, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज है उसके अंदर अलग अलग तरीके से पैसे को ये इन्वेस्ट कर देती है। तो इस तरीके से क्या होगी, ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी होगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? उसके फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। एज बैंकर इट मेंटेन्स एज अ करंट अकाउंट फॉर द कीपिंग देयर कैश बैलेंस। ये सरकार करंट अकाउंट को मेंटेन करती है। इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड द मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड कैरीज आउट द एक्सचेंज। वो फॉरेन करेंसीज भी रखती है एक्सचेंज करने के लिए। इट आल्सो गिव्स द लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट फॉर द टेम्पररी पीरियड। भाई सरकार को पैसे की जरूरत है और पैसा नहीं है सरकार के पास में, इतना टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ जितना कि सरकार ने घोटाला कर लिया। खर्चा कहाँ, खर्चे कहाँ मेरे भाई? गवर्नमेंट का सिंपल सा एक नियम है मेरे भाई, गवर्नमेंट को मैं बोलता हूँ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, आपका काम है आपका रोड बनाना। क्लियर है? आपका काम है डिफेंस का, डिफेंस का काम है आपका, और आपका लो एंड ऑर्डर का काम है कि सुरक्षा देना लोगों को, पुलिस भारी मात्रा में हो। एक तो हमारे पास में, मेरी बातों से लग रहा हूँ सरकार के विरुद्ध हूँ, बट ऐसा नहीं है, पूरा सरकार के और इस सिस्टम के विरुद्ध नहीं हूँ मैं, लेकिन जो इसमें कुछ लोग करप्ट होते हैं, या कुछ लोग करप्ट भी नहीं है, पर कुछ लोग काम करना आता नहीं और जबरदस्ती काम लेकर के बैठे हैं। नेता है ना, नेतागिरी के लिए नहीं होती है बच्चे। अब कोई अगर ऐसे लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं उसको भी कहता हूँ, नेताओं भी देख रहे हैं तो उनको भी मैं कहता हूँ कि भाई साहब ये नेता बनना है ना नेतागिरी के लिए नहीं है, नेता बनना है ना अपने लोगों के विकास के लिए होता है अगर आप नेता बन रहे हैं तो। अब कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे भारत में राज्य ऐसे हैं, एक बंदा CM 15 साल से 20 साल से बना हुआ है और उसको मतलब ही नहीं मालूम कि ये कितना क्रांतिकारी पद है, इससे करोड़ों लोगों के जीवन को कैसे बदला जा सकता है, उसको इसकी अहमियत ही नहीं पता। उसको लगता है कि उसको सरकारी नौकरी लग गई है, हर महीने तनख्वाह आ जाती है, सरकारी बंगला मिल जाता है, उसमें बैठे हैं अपने मौज काट रहे हैं। अरे भाई साहब यार, पब्लिक से ऐसे हाथ जोड़ लो, पब्लिक आपको उससे ज्यादा पैसे दे देगी, उससे अच्छा बंगला दे देगी, बस उस पद को छोड़ दो, क्योंकि उसके चक्कर में बहुत सारे लोग दिल्ली मुंबई कहां कहां जाकर के धक्के खाते हैं, जब आप अपने राज्य में लोगों को रोजगार नहीं दे पाते हो, तो क्योंकि आप वो काम ही नहीं कर पाते हो। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बट गवर्नमेंट जो है अगर अननेसेसरी खर्च करती है, जैसे कि भैया बिजली फ्री, बस में जाओ लेडीजों के लिए बस फ्री, अरे ये क्या बात होगी लेडीजों के लिए बस फ्री,
टिकटें फ्री, ये क्या बात हुई? तो ये फालतू फंड के जो स्कीम जो गवर्नमेंट चलाती है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि भैया एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू कम हो जाती है, टैक्स कम हो गया, खर्चे ज्यादा हो गए। अब जब खर्चे ज्यादा या फिर घोटाला ज्यादा कर लिया हो, पर्दे से 8 लाख के लग गए, बात समझे? तो इससे क्या हो जाता है कि सरकार के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, रेवेन्यू कम। अब वो खर्चे ज्यादा हो गए तो उसको मैनेज कहां से करेगी सरकार? तो सरकार जाती है किसके पास में? सेंट्रल बैंक के पास में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्लियर है? अब वो जब वो सेंट्रल बैंक के पास में जाएगी, तो सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं कि भैया हमारे पास मशीन तो रखी रखी है, छापो छापो दो उसको, नहीं भैया, एक्सेस करेंसी आपको पता है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को लेकर के आएगा, और महंगाई जब आएगी तो गरीबी और देश के अंदर बढ़ेगी। आपको इसकी कहानी बता चुका हूं मैं ऑलरेडी कि महंगाई कैसे गरीबों को बढ़ाती है। भैया आज जो भी रेट है चीजों के, उसकी वजह से मान लो मैं 2 वक्त का खाने का बंदोबस्त कर पा रहा हूँ, चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तो अब मैं 1 वक्त का खाना खा पाऊंगा, मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ी, तो अब मैं गरीब हुआ नहीं हुआ? पहले गरीबी रेखा के थोड़ा सा ऊपर था, गरीबी रेखा के नीचे आ गया। तो महंगाई बढ़ने से लोगों में, देश में गरीब लोग बढ़ते हैं। तो कभी भी सेंट्रल बैंक ये नहीं करेगी एक्स्ट्रा पैसा छाप के सरकार को दे देगी, लो खर्च करो उड़ाओ। सरकार इलेक्शन आ रहा है, 1-1 करोड़ की बंडल बनाएगी और सबके दरवाजे पर रखे जाएगी, हमें जिताना। भैया वो पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन भैया फिर इससे जो इन्फ्लेशन आएगा, जो इससे महंगाई आएगी, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन तो हुआ नहीं। आप उससे पैसे लेने के लिए मार्केट में उतरोगे, सामान लेने के लिए सामान तो आपको वैसे ही नहीं मिलेगा, गुड सर्विस थोड़ी बने हैं जो सामान मिल जाएगा। यार अजीब बात है, इस एक ही पेन है भारत में, आप कितने भी रुपए हो क्या 2 लोगों को मिल सकता है? क्या 2 लोग यूज कर सकते हैं? जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, कितना ही पैसा दे दो, क्या पब्लिक के जीवन तो गुड्स एंड सर्विसेज से संवरेगा ना? जब गुड्स सर्विसेज है नहीं तो क्या सभी की सभी नीड्स फुलफिल होगी? नहीं होगी ना, स्थिति तो वही बनी रहेगी। इवन बहुत सारे लोग, महंगाई बढ़ने के कारण लोगों की स्थिति और बदतर हो जाएगी। पैसा एक्स्ट्रा आने के बाद बहुत लोग काम नहीं करेंगे, अगर ऐसे पैसे आएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो क्वांटिटी थी वो पहले से और रिड्यूस हो जाएगी, तो समस्या पहले से इंप्रूव नहीं होगी, समस्या पहले से बढ़ जाएगी। तो कभी भी सेंट्रल बैंक समझती है भाई, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो पैसे छाप के नहीं देगी सरकार को, सरकार को देगी लोन और बोलेगी फटाफट वापस कर देना, इतने टाइम में पैसा वापस इकोनॉमी से विड्रॉ कर देना, महंगाई आ जाएगा फिर हमारी सरकार अडेक हो जाएगी, समझे? समझे? इसलिए क्या करती है ये बैंक आरबीआई एक्ट्स द बैंक टू द गवर्नमेंट इन सेंस द इट्स द बेयर्स ऑफ द सेम रिलेशनशिप बिटवीन द कमर्शियल बैंक्स एट द लेटर मेंटेन द जनरल पब्लिक। ये बात समझ में आपको आ गई? सरकार का रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ में वैसा ही होता है जैसा हम पब्लिक का कनेक्शन इन कमर्शियल बैंक के साथ में होता है, समझे या नहीं समझे? क्लियर है? चलिए कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, सारे पॉइंट हो गए क्या हमारे? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भैया? करेंसी इशू 1 पॉइंट हो गया, बैंकर टू द गवर्नमेंट 2 पॉइंट हो गया, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजर, हाँ ठीक है। ये बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का बैंक मतलब कि अब जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, SBI हो जाए, चाहे वो PNB हो जाए, चाहे वो HDFC हो जाए, चाहे वो एक्सिस हो जाए, जितने भी कौन कमर्शियल बैंक, इन सब का खाता कहाँ खुला रहता है? सेंट्रल बैंक। जैसे हम जनता का खाता कमर्शियल बैंक के पास होता है ना खुला हुआ, कितने पैसे हमने जमा करवाए, कितने निकाल लिए, सारा हिसाब किताब रहता है ना, ऐसे ही इन कमर्शियल बैंक का जो अकाउंट कहाँ रहता है? सेंट्रल बैंक के पास में। और ये अपने डिपॉजिट का एक कुछ फिक्स अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास हमेशा रखते हैं, जिसको क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशो। ये क्या होता है कि बैंक भाग ना जाए, कुछ पैसा उसको अपने पास में रखना ही पड़ेगा। तो अगर मान लो 1 करोड़ रुपए है तो 20 लाख रुपए सेंट्रल बैंक ने बोला भाई मेरे पास रखेगा, एक होता है वो अपने अपने पास रखेंगे, वो SLR होता है जो पब्लिक को विड्रॉ करने पर देते हैं, LRR जो बड़ा बताया था, और एक होता है कि सेंट्रल बैंक के पास रखेगी, उसको क्या बोलते हैं? CRR बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैश रिजर्व रेशियो। हाँ सेंट्रल बैंक, अब बोलोगे यार ये तो गलत बात है, मैं बैंक हूं, मैं एक पैसा सेंट्रल बैंक में रख दूंगा, पब्लिक को फिर इंटरेस्ट कहां से दूंगा? या आप लोन चलाने दोगे नहीं, इन्वेस्ट करें दोगे तो इंटरेस्ट कहां से दूंगा पब्लिक को? अरे शांत, सेंट्रल बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देती है, सेंट्रल बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देती है। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? तो यहां पर आपके पास में तो ये क्या है, इन सभी कमर्शियल बैंक का अकाउंट एक बैंक, इसका सेंट्रल बैंक के पास में खुला रहता है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। जो ये बैंक है ना, इसका बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बैंकर्स बैंक।
एंड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर मतलब कि उनको देखते भी रहते हैं। कैसे? देर आर द नंबर ऑफ द कमर्शियल बैंक इन अ कंट्री, देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट, कुछ होना चाहिए ना कि ऐसी एजेंसी तो इनको रेगुलेट करे, सुपरवाइज सुपरविजन करे और दो प्रॉपर फंक्शनिंग इसकी चेक करे। बींग द एपेक्स बैंक द सेंट्रल बैंक आरबीआई एक्ट्स द बैंकर्स टू द अदर बैंक्स इन द सेंस इट बेयर्स द सेम रिलेशनशिप विद द कमर्शियल बैंक्स एज द लेटर मेंटेन विद द जनरल पब्लिक। जैसा कमर्शियल बैंक का संबंध पब्लिक के साथ में होता है, ऐसा ही कमर्शियल बैंक का रिलेशन सेंट्रल बैंक के साथ में रहेगा। ठीक है ना? क्या लिक्विडिटी, लीगल लिक्विडिटी रेशियो, क्लियर है? तो एक कैश रिजर्व सीआरआर इसको कहते हैं, ये अपने पास में हमेशा रखेंगे। अब एक पॉइंट इसमें हो गया, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, ये एक पॉइंट अलग पॉइंट है। ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट मतलब कि एक बार ऐसा हुआ था कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ में एक किस्सा हुआ था। क्या हुआ था कि एक रूमर, एक अफवाह फैल गई थी कि ये बैंक है ना इंस्टॉलमेंट हो गया, दिवालिया हो गई है, बर्बाद हो गई है। किसके बारे में? आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। अब एक पब्लिक के होने के नाते आपका क्या रिएक्शन होगा? भाई साहिब सी बात है, अब इतने तो जांच पड़ताल तो हम करने बैठे नहीं है, हुआ भी है नहीं हुआ है, पहले भैया भागो और अपने पैसे निकाल के अपने आप को सेफ करो। ऐसी सोच सिर्फ आपके पास में होगी या उसके जितने भी कस्टमर है सबके पास में सोच है? सारे एक दिन में पहुंच गए थे बैंक में पैसा निकालने, पूरे भारत में। आपको पता है पब्लिक तो बैंक इस अजम्पशन पे चलती है कि 20% ही विड्रॉ होगा एक दिन में, बाकी पैसे वो इन्वेस्ट करती है या लोन देती है लोगों को, सारे पैसे तो रखेगी नहीं ना गल्ले में। लेकिन उसका ये अजम्पशन फेल हो गया, उस दिन 100% कस्टमर अपना 100% विड्रॉ करने के लिए बैंक में पहुंच गए, और जब बैंक में पहुंचे तो भैया बैंक क्या उसको पे कर पाएगा? नहीं, बैंक पे नहीं कर पाएगा भाई, बैंक पे नहीं कर पा रहा था। लोगों ने बोला ये अफवाह नहीं भाई, ये तो सच्ची खबर है, दे नहीं पा रहा है पैसा हमारा। लोगों थोड़ी पता कि भाई सब इकोनॉमिक्स हो रही है सबके पास में, लोगों थोड़ी पता कि बैंक है, पैसे लोन देती है वो करती है। लोगों तो यही लगता है पैसे में रखे बैंक के पास में रखा हुआ है, नहीं दे रही है मतलब भैया घोटाला कर दिया। तो भैया हो हंगामा शुरू, भारत में बड़ी बड़ी खबरें बनी शुरू। सेंट्रल बैंक ने फटाफट एक पिता होने के समान अपना फर्ज निभाया, इंटरफेयर करा, चेक करा कि रूमर से ये सच्चाई है। चेक करने आदि एक रूमर्स मिला तो फिर बोला कि पब्लिक का विश्वास बना रहना बहुत जरूरी है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। तो लोग पैसा निकालने आए हैं तो उसको भाषण या उसको समझाने से अच्छा है कि उसका पैसा वापस दिया जाए। हम बोले नहीं 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 पैसा सही है, टेंशन मत लो। ऐसा हो सकता है कि आपको टेंशन नहीं होगी? तो एक ही तरीका है पैसा वापस किया जाए, तभी लोगों का फेथ बैंकिंग सिस्टम बना रहेगा। तो आरबीआई ने सारे पैसे अपने यहां से, बहुत सारे पैसे आईसीआईसी बैंक को हेल्प करी। आईसीआईसी बैंक ने क्या करा, उस पैसे को पब्लिक जो भी विड्रॉ करने आ रही थी सबका पैसा दे रही थी। पब्लिक को मालूम पड़ गया यार ये सब अफवाह था, 2 महीने 6 महीने पैसे रखे अपने पास में, वापस जाकर आईसीआईसी में जमा करवा दिए। क्लियर है? तो ये क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बर्बादी के समय कोई अगर आखिरी मदद करता है ना तो सेंट्रल बैंक है, कोई इसकी दूसरी मदद नहीं करेगा। जब ये पूरी तरीके से डूब रहा होगा, कोई इसकी हेल्प करने को तैयार नहीं, तो आखिरी में कौन आएगा इसकी मदद करने के लिए? सेंट्रल बैंक। मेरी बात समझे? क्लियर है? अब कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट बाय सेंट्रल बैंक, अगली कक्षा में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है जी, मैं मैक्सिमम हमारे देश में तो अभी 2000 रुपए तक का नोट बनता है।